हाय माय लवलीज एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल बी विद प्राची। हम सब पतले रहना चाहते हैं, इसीलिए हम डाइटिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम भूलते हैं, जो हमारे वेट लॉस का सबसे बड़ा एनिमी है। आज के वीडियो में मैं बात करूंगी शुगर की। शुगर से मेरा मतलब नेचुरल शुगर से नहीं है, जो हमें फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स से मिलती है। आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्स्ट्रा शुगर दैट वी जनरली टेक। आवर शुगर इनटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर गुड हेल्थ as well as our fitness. So today I'm going to talk about five different ways of how you could reduce your sugar intake, not only to remain healthy, but also for a healthy weight loss. So if you're interested, keep watching. WHO recommend करता है कि हमारा daily sugar intake 5 to 10 teaspoons a day or 50 grams per day होना चाहिए। पर आई एम श्योर कि हम इसे कहीं ज्यादा कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक ग्लास ऑफ सोडा यानी कि पेप्सी या स्प्राइट पीते हैं तो उसमें अराउंड 40 ग्राम्स ऑफ शुगर होता है। इसीलिए हमें प्रोसेस्ड फूड्स, शुगरी फूड्स से दूर रहना चाहिए। शुगर हैज मेनी नेम्स और उसमें से तो बहुत सारे नाम हमें पता भी नहीं होते। इसीलिए जब आप बाहर से प्रोसेस्ड फूड्स या कोई भी पैकेज फूड खरीदते हैं तो हमेशा उसके लेबल पर उसके इंग्रीडियंट्स चेक कीजिए। अगर आप शुगर को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो OSE यानी कि ओ से एंड होने वाले वर्ड्स पे स्पेशली ध्यान दें, जैसे फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, डेक्स्ट्रोज, ये सारे शुगर्स होती हैं। अगर आप कैन फ्रूट्स या फिर फ्रूट जूसेस कंज्यूम करते हैं तो उनमें भी बहुत सारी एडिड शुगर होती है। इसीलिए ट्राई कीजिए कि जितना हो सके आप नेचुरल फ्रूट्स खाएं। हम जनरली अपने घर में शुगरी स्नैक्स को स्टॉक अप करके रखते हैं और फिर जब भूख लगती है वी टेंड टू गो एंड बिंज ऑन देम। इसीलिए मैं एक सिंपल तरीका यूज करती हूँ कि मैं शुगरी स्नैक्स को स्टॉक ही नहीं करती। तो जब भूख लगती है तो ऑटोमेटिकली आई रीच आउट फॉर सम नट्स और सम फ्रूट्स। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। एंड स्पेशली बी केयरफुल ऑफ द सो कॉल्ड हेल्दी प्रोसेस्ड स्नैक फूड्स। सो फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस जस्ट बी विद प्राची।